और एक चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बंगाली लैंग्वेज में क्यों ना मैं एक चैनल स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने और एक चैनल स्टार्ट किया है, बंगाली लाइफस्टाइल विथ मेघा। तो वो आप लोग जाके जरूर देखिए। अगर मुझे सपोर्ट करनी हो, मोटिवेट करनी हो उस चैनल पे भी, अगर आप लोग मुझे इस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को देखिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली शेयर कीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को तो पता ही है मेरे सेटअप पे मैं बर्ड्स लाना स्टार्ट कर दिया है और भी कुछ बर्ड्स लाना बाकी है, तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी हूँ, उसके साथ साथ एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि कल सुबह से मुझे सेम जो भी रूटीन होती है वो ही मैं फॉलो करूंगी। लेकिन गाइज, उससे पहले एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरी बाकी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे जब सेटअप को मैंने छोटे छोटे नेट से मैंने कवर की थी, तो उस टाइम पे तीन चार ऐसे कुछ जो बड़े रैट्स होते हैं वो सेटअप के अंदर ही रह गए थे, यानी कि हमारे सेटअप के अंदर के तरफ में छोटी सी स्टोर रूम में उधर पे छुप गए थे, तो वो भाग नहीं पाए। तो अभी जो है वो क्या कर रही है, एवरीडे मैं देख रही हूँ सेटअप के अंदर वो घूम फिर रहे। तो मैं और नेक्स्ट टाइम नहीं चाहती हूँ मेरी बर्ड्स को और रैट की वजह से कुछ भी तकलीफ हो, तो इसके वजह से अभी मैं देने वाले हूँ रैट्स को रैट किलर। तो मैं किस तरीके से रैट को रैट किलर देती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइस, मैं सच बताओ गॉड्स फैन, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि जब मेरी मम्मा छोटे छोटे जो रैट्स होती है, अगर उसको मारने के लिए भी कभी कभार जो गम टाइप के कुछ होते हैं वो घर में लगा देते हैं साइड में कहीं भी, अगर छोटे रैट्स भी उसके ऊपर आ जाती है और वो निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत उसको तकलीफ होती है, और उसको देख के मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बर्ड्स के साथ भी मैं और कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती हूँ। ऑलरेडी बहुत कुछ नुकसान हो गई है मेरी बर्ड्स के सेटअप में रैट की वजह से। अगर रैट्स आते चले जाते, सीड्स वगैरह खाते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थे, लेकिन मेरी बर्ड्स को मार डाल रही है, तो इसके लिए मुझे रैट किलर देनी पड़ेगी। तो गलत वे से बिल्कुल भी आप लोग मत लीजिएगा। तो चलिए, मैं अभी नीचे किचन में जाऊंगी, मैं किस तरीके से रैट किलर से रैट्स के लिए खाना बनाती हूँ वो ही मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। अगर आपके सेटअप में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पूरी कवर की हुई है लेकिन फिर भी अंदर में कुछ रैट्स रह गए हैं, उसको अगर आप लोग भगाना चाहते हो या फिर मारना चाहते हो, तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। आई होप थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया मिल सकती है। और गाइस, मेरे इस चैनल को मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, क्योंकि आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आने वाली है, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों से भी मिस हो जाए, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की जो भी सोच है रैट्स किलर से रैट को मारने की, तो वो अगर आप लोगों को दूसरे कुछ आइडियाज भी होंगे तो नीचे जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए, नीचे मैं किचन में चलती हूँ, फिर रैट किलर से रैट के लिए खाना बनाती हूँ, फिर मैं जाऊंगी छत में मेरी बर्ड्स के सेटअप में। तो चलिए चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा और कोई भी प्लास्टिक की हैंड ग्लव्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैं नहीं लाई हूँ, भूल गई हूँ, उसके वजह से मैं इस तरीके से एक प्लास्टिक ले लिया है और इसको रबर बैंड से इस तरीके से मैं बांध रही हूँ, ताकि हाथ में मेरी जहर ना लग जाए। फिर ऐसा होगा रैट को मारने गई और मैं खुद से ही खा के वो मर गई, ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं हाथ को अच्छे से मैं बांध लिया है रबर बैंड से इस तरीके से। वो जो मैं रैट किलर यूज कर रही हूँ गाइस, वो रैट सुपर ऐसे कुछ नाम की है, आप लोग चाहे तो दूसरे कंपनी की भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये मैंने पहली बार भी यूज की थी एक बार, तो ये अच्छे खासे काम करते है, और ये मुझे 15 या फिर 20 रुपए पड़े थे। तो चलिए, मैं नेक्स्ट आपको दिखा दूँ मैं क्या करूँगी। तो नेक्स्ट गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने एक बोल ले लिया है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी यूज नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से यूज एंड थ्रो कोई भी आप बोल ले लीजिए, प्लास्टिक को या फिर जो आप नेक्स्ट टाइम नहीं यूज करने वाले हो, ये मैं फेंक दूंगी। तो इस तरीके से एक बोल ले लिया है मैंने, एंड उसके अंदर मैंने ले लिया है आटा। इसमें मैदा देने से उतना कुछ खास असर नहीं करेंगे, क्योंकि रैट्स को आटा खाना ज्यादा पसंद होती है। और गाइस, आप लोग चाहे तो आलू के पकोड़े जो होती है बंगाली में, जिसको चॉप कहते हैं, वो सारे पकोड़े वगैरह ऑयल में फ्राई किए हुए, उस तरीके से बहुत पसंद करती है रैट्स। बट अभी तो अचानक से मैंने प्लान की है, इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ, तो मैं आटा से ही काम छुड़ा लूंगी। तो चलिए, अभी मैं ये रैट किलर को इसके अंदर डालने वाली हूँ, ऐसा ना हो कि रैट को मारने की वजह मैं ही मर गई ये सब करते हुए।
बहुत डर लगती है मुझे। तो ये रैट किलर मैंने फाड़ लिया है। रैट किलर के ऊपर में ऐसे फाड़ने के बाद एक और एक पेपर में ऐसे मिलते हैं, आई थिंक ये वाला, तो ये खाली हो जाएंगे। तो बस इतना सा है, आप देख सकते हो बहुत ही थोड़ी सी है ग्रेइश कलर में, तो ये मैं पूरा डाल दूंगी। तो अभी मैं जो है आटे के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो चलिए इसके अंदर अभी पानी देकर, जैसे कि रोटी बनाने के लिए डो बनानी पड़ती है, उस तरीके से मैं एक डो बना लूंगी। तो इसके अंदर मैंने पानी ले लिया है और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने इस तरीके से एक डो बना लिया है और अभी मैं इसको छोटे छोटे बॉल जैसे बनाऊंगी, एंड जिधर रैट्स रहने के चांसेस है उधर पे मैं छोटे छोटे बॉल की तरह बना के मैं पूरा साइड में दे दूंगी, ताकि खाके वो मर जाए या फिर बाहर चली जाए। तो चलिए मैं चलती हूँ बर्ड्स के सेटअप में, आप लोगों को भी मैं लेके चलूंगी फिर। चलिए तो चलिए मैं मेरे रूम पे आ चुकी हूँ, अभी मैं दूंगी। तो ये वाले ऊपर जाने की, यानी कि हमारे छत में जाने की ये रास्ता है, तो इधर से ही स्टार्ट होती है। तो इधर पे आप देख सकते हो मैं बर्ड्स लाई थी, उसका ये बैग इधर पे गिरी हुई है, तो उसके अंदर भी रैट्स हो सकती है। तो चलिए इधर पे भी मैं दे देती हूँ। तो चलिए अभी मैं बर्ड्स के सेटअप के अंदर आ गई हूँ, तो मैं इधर पे बोल पे रख देती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे सेटअप में जो है अच्छी तरीके से वायर वगैरह लग गई है, लाइटिंग के काम अच्छे से हो गई है, आप लोग देख सकते हैं इधर पे स्विच बोर्ड के सिस्टम की गई है और इधर से ऐसे वायर आते आते आप देख सकते हो इधर पे पाइप सिस्टम की गई है, क्योंकि रैट वगैरह ये ना काट सके, इसके वजह से प्लास्टिक के पाइप के अंदर से ये ली गई है। पहले तो जस्ट नॉर्मल वायर थे, तो इसके वजह से रैट वगैरह काट देते, तो पूरा सेटअप लोहे की है, तो ये पूरा करंट हो जाती थी, तो इस तरीके से लाइट लगी हुई है। तो ये रही मेरी पूरी सेटअप। सो फाइनली गाइस मैं मेरी बर्ड्स के सेटअप में आ चुकी हूँ, अभी करीब करीब 8:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम में रैट की अटैक ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं दे देती हूँ।
तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके से जो न्यू बर्ड्स लाई हूँ मैं रखी हुई हूँ झूले की तरह, ताकि नीचे में कोई भी रैट वगैरह से कुछ भी नुकसान ना हो जाए। तो अभी तो मैं ये रैट किलर दे रही हूँ, और इस तरीके से मैंने हुक सिस्टम है, ये जो रोप होती है उससे मैं ऐसे टांग के रखी हूँ। और इधर पे है मेरी न्यू रैबिट, ये देखिए। अच्छे से मैं पूरे सेटअप में दे रही हूँ। फाइनली गाइस मैं पूरे सेटअप में दे दिया है, बस एक दो सा बची हुई है, मैं ऐसे बोल में रख के मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। तो हाथ में मेरा पूरा लग गई है, तो बहुत डर रही हूँ मैं। तो गाइस अगर मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर ये आइडिया आप लोगों को काम आ सके तो। तो मैं बहुत ही ज्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ, तो चलिए मैं जल्दी से नीचे चलती हूँ और इस वीडियो को मैं इधर पर एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है।